दारुल हुकूमत बेंगलुरु से अहम खबर। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने आज अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद से मुलाकात की। रियासती वजीर बराए माइनॉरिटी वक्फ हाउसिंग जमीर अहमद खान की अगवाई में रियासती वजीर रहीम खान, के जे जार्ज, सी एम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, एम एल सी सलीम अहमद, एम एल ए रिजवान अरशद, ए आई सी सी के सेक्रेटरी मंसूर खान के अलावा दीगर अहम लीडरान के साथ आज वज़ीर आला ने मुफ्ती सगीर अहमद और सिटी मार्केट की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान से खुसूसी बातचीत की। अमीर शरीयत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद और मौलाना मकसूद इमरान ने सीएम सिद्धरामैया का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिद्धरामैया काफ़ी देर तक उलमा इकराम और मुस्लिम कायदीन के साथ मिली मसाइल पर गुफ्तगू करते रहे। मुफ्ती सगीर अहमद ने मुसलमानों के मसाइल और मुतालबात को वज़ीर आला सिद्धरामैया के सामने पेश किया। 4% रिजर्वेशन अजान पर भी मौलाना ने खुलकर बात की। बेंगलुरु, हुबली, आलंद के अलावा रियासत भर में कई मुस्लिम नौजवान बेकसूर नौजवान जेलों में बंद है। इस ताल्लुक से भी मौलाना ने वज़ीर आला सिद्धरामैया से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि रियासत के मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने अरबिक कॉलेज के करीब बन रहे मेट्रो स्टेशन का नाम अरबिक कॉलेज मेट्रो स्टेशन रखने का भी मुतालबा किया। मुख्तलिफ मुतालबात के साथ साथ वज़ीर आला को पूरे रियासत के अवाम को इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने भी मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद और मकसूद इमरान के अलावा उलमा इकराम को ये यकीन दिलाया रियासत में तमाम अवाम को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो तमाम मजहब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी कम्युनिटी को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज वज़ीर आला इज़्ज़त महाब सिद्धरामैया साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और यहाँ बहुत से मिल्ले हजरात और वज़रा हजरात भी थे, हजरात उलमा भी थे, उनके सामने बात हुई और हमने उनसे कुछ मुतालबात भी किए। जो हालात पेश आए थे गुज़िश्ता दिनों में, जैसे हिजाब का मसला था और रिजर्वेशन का मसला, इसी तरह क़ुरबानी और दूसरे मसले थे, उनके सामने हमने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बखुशी उसका जवाब दिया और इत्मीनान बख्श कि इंशाल्लाह हमें जो कुछ भी उनसे मारूजात पेश की है वो उसको अंजाम देंगे, पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हमको इस मीटिंग से बड़ी खुशी हुई, उनसे मिलकर और बातचीत करके बहुत अच्छे अंदाज में हमारा जवाब उन्होंने दिया। इंशाल्लाह हिजाब के सिलसिले में बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मामला सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट हजरात करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और रिजर्वेशन के बारे में बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। और फिर दूसरे जीवन अली के फितने और फसाद और झगड़े के बाद जो गिरफ्तार हुए थे बहुत से लोग रिहा भी हो गए और कुछ लोग 30 के 40 के करीब यूपा में हैं। अब उसमें भी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, तो ये सब बातें हुई हैं। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत ही हमारे लिए खुश आइंद है। अल्लाह ताला हम सबको की मदद फरमाए और इनके हुकूमत के दौर को अल्लाह ताला पूर अमन बनाए, पूरे रियासत के लिए अमन का बाइस बनाए, बस हम ये दुआ करते हैं। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आने के बाद वज़ीर आला बज़ात खुद ख्वाहिश जाहिर करके हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम की खिदमत में दुआ लेने की गर्ज से और यहाँ के हालात के सिलसिले में बातचीत करने के लिए बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लीडरान भी और हजरत उलमा भी इस मौके पर मौजूद रहे। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने पूरी रियासत के तरफ से आपको मुबारकबाद भी दी और दुआ भी फरमाई कि हमारी रियासत में तमाम मजाहिब के लोग अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करें। और साथ ही साथ इस वक्त के जे हल्ली डी जे हल्ली के वाक़े के बाद यूपा की वजह से
जो मजलूमीन क़ैद में अभी बंद हैं उनके सिलसिले में हज़रत दामत बरकातहू हमने बात की, और ऐसे ही हुबली में 150 से ज़्यादा वहाँ मुसलमान बंद हैं और जो इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनकी सहूलत के लिए और जल्द अज जल्द रिहा के लिए जो क़ानूनी रास्ता इख्तियार करके उनकी रिहाई का इंतज़ाम किया जा सकता है उस पर, और इसी तरह अलन के सिलसिले में भी हज़रत ने खुसूसियत के साथ ज़िक्र फरमाया। चूँकि टू बी रिज़र्वेशन का मामला अब 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेश आना है, तो उससे पहले क्या तैयारी होनी है और कैसे करना है, उस सिलसिले में भी हज़रत दामत बरकातहू ने बहुत ही साफ अंदाज में खुलकर वज़ीर आला के सामने बात रखी। क्योंकि अब इस वक्त बच्चों के दाखिले का मसला है, अब अगर उस पर काम ना हो तो बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे अफसरान को मुश्किल पेश आएगी टू बी सर्टिफिकेट की वजह से। उस वजह से उन्होंने बहुत ही उम्मीद जाहिर की है कि हम इसको भी जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस वक्त ईदुल अज़हा का मौका है, वह उस सिलसिले में हज़रत दामत बरकातहू ने बहुत ही इत्मीनान के साथ अपनी बात को रखा और कहा कि मुसलमान यहाँ बहुत सालों से तमाम कौमों के साथ ईदुल अज़हा की ये ईद बहुत खुशी के साथ और अमन के साथ गुजारते आ रहे हैं, और चूँकि इस रियासत के वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब हैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग अपनी ईद को पुरअमन तरीके से मना सकेंगे, यहाँ कोई दुश्वारी किसी भी तरह की कोई पेश नहीं आएगी। वज़ीर आला ने भी यकीन दहानी फरमाई है। चूँकि अरबी कॉलेज के सामने जो मेट्रो स्टेशन है वो बहुत दिनों से दूसरे के जे हल्ली जो बहुत दूर इलाका है वहाँ के नाम से रखे जाने की बात तो हो रही थी, उस वजह से हज़रत दामत बरकातहू ने फरमाया भाई ये अरबी कॉलेज के सामने है, इस वजह से यहाँ ये अरबी कॉलेज के नाम पर होना चाहिए। वो कानून के दायरे में रहकर जो बात भी होनी है उस हिसाब से उसको पूरा करना चाहिए। हज़रत दामत बरकातहू ने गुजारिश की कि जो कानून के दायरे में रहकर डिपार्टमेंट और सारे लोगों को लेकर इसको सही तरीके से अंजाम दें तो बहुत मुनासिब है। और सीएम साहब ने भी ये गुजारिश की कि यहाँ तमाम मजाहब के मानने वालों को जो उनका हक मिलना चाहिए वो हक पूरा दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ज़रा कम हैं तो इसलिए इनको दबा के रख दिया जाए या कोई और कौम ज़रा कम है तो उनको दबा के रख दिया जाए। यहाँ किसी भी तरह का जुल्म पनपने नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर किस्म के जुल्मों से बचाकर यहाँ अमन की फ़िज़ा को जारी व सारी करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। ये पूरी यकीन दहानी के साथ सीएम साहब ने यहाँ ये कहा है, और पुलिस के लिए भी हज़रत अमीर सैयद अहमद बरकातहू ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि चूँकि पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का कोई जुल्म ना हो तो उन्होंने यकीन भी दिलाया कि यहाँ पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होगी, यहाँ पुलिस जो उनका हक है वो उस अंदाज में काम करेंगे, लेकिन ज़्यादती करके मुसलमानों को ख़ास तौर पर दूसरे लोगों को परेशान हरगिज़ नहीं किया जाएगा।